बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से, जहां पर तेंदुए ने एक दिन में 13 ग्रामीणों को किया घायल। गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को घेर कर पीट पीट कर मार डाला। स्थिति नियंत्रण से बाहर ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी पर भी लाठी डंडों से तोड़फोड़ चालू कर दिया। सुजौली रेंज अंतर्गत कठौतिया गांव में बुधवार तड़के जंगल से भटक कर एक तेंदुआ पहुंच गया। तेंदुआ ग्रामीणों को देखते ही हमलावर हो गया। तेंदुए के हमले को देखते हुए 3 रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचे, लेकिन सभी बेबस नजर आए। तेंदुए ने महिला समेत 13 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। इसमें मानो वन जीव संघर्ष की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने तेंदुए की पीट पीट कर हत्या कर दी। करन्या घाट वन जीव प्रभाग के सुजौली रेंज अंतर्गत कठौतिया गांव में बुधवार सुबह 6 बजे एक तेंदुआ पहुंच गया। तेंदुए ने खेत में भूसा भर रहे विश्राम पुत्र लल्ला, जनक दुलारी पत्नी ब्रह्मा, रंजीत पुत्र ब्रह्मा और छठई पत्नी नथनी प्रसाद, मुरली पुत्र प्रदीप, प्रीतम पुत्र अंपी, राम सूरज पुत्र अंपी पर हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए कहा हाका लगाया। इस पर तेंदुआ एक घर छोड़कर दूसरे घर की तरफ बढ़ा। तेंदुआ गांव के चारों तरफ पहुंचकर ग्रामीणों पर हमला करके घायल करने लगा। तेंदुए के हमले में जब तक महिला समेत 13 लोग घायल हो चुके, इनमें 2 बालक भी शामिल है। तेंदुए के हमले की सूचना पाकर वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव मुर्तिया रेंज के साथ 3 रेंज के वन कर्मी के साथ मौके पर पहुंचे। तेंदुए को पकड़ने के लिए जाल लगाया गया, लेकिन तेंदुआ वन विभाग की पकड़ में नहीं आ रहा। वही तेंदुआ का हमला बढ़ता ही जा रहा था। हमले से ग्रामीण के साथ मानो वन जीव संघर्ष की स्थिति बन गई। ग्रामीणों ने तेंदुए को घेर कर पीट पीट कर हत्या कर दी। तेंदुए के हमले को देखते हुए गांव के साथ आसपास के क्षेत्रों में काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। पूरे क्षेत्र में लोगों में दहशत फैल गई। गुस्साए ग्रामीणों ने वन विभाग की 3 गाड़ियों पर लाठी डंडों से तोड़ फोड़ कर छत्तीस कर दिया। तारा शंकर यादव वन क्षेत्राधिकारी निशान गाड़ा समेत कई वन कर्मी घायल हो गए। वन कर्मियों के साथ एसटीएफ के जवान भी तेंदुए को पकड़ने में लगे हुए थे। 2 हाथी भी मौके पर पहुंच गई। सूचना मिलने पर सुजौली मुर्तिया मोदीपुर थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस और वन कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद तेंदुए की लाश रेंज कार्यालय सुजौली लाया गया और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक सुबह 6 बजे से ही तेंदुआ एक घर में कैद था। इन सब के बावजूद वन कर्मियों की लापरवाही के कारण तेंदुए ने एक बार फिर वन विभाग की पकड़ से बाहर हो गया, जिससे पश्चात उसने कई ग्रामीणों पर हमला किया। घटना स्थल पर भाग्य वन कर्मी अधिकारी आकाशदीप बाधावन, एसडीएम मोती ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, क्षेत्रा अधिकारी नानपारा मोतीपुर जंग बहादुर यादव आदि लोग मौजूद रहे।